हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ पोंगल मेकअप लुक, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है ना मकर संक्रांति के ऊपर, वही मेकअप लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मेरी थोड़ी बहुत ही मेहनत लगे ना तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइज, आप चाहे तो खुले बाल भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से आप जूड़ा भी बना सकते हैं, मैंने दोनों तरह से बताया है। सो चलिए देख लेते हैं ये मेकअप लुक किस तरह से क्रिएट किया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लेना है। मैंने ये गुड वाइब्स का ग्लो टोनर लिया है, हनी ग्लो टोनर है, इसे मैंने अपने फेस नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है इस तरह से। अब मैं ले रही हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने निविया सॉफ्ट क्रीम ली है। अच्छे से हमारे फेस को मॉइस्चराइजर कर लेना है काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरह से, एंड फेस नेक को अच्छे से मॉइस्चराइजर करना ही है, विंटर सीजन है तो। देख सकते हैं गाइज, मेरी इस तरह की ये साड़ी है, मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है। देख सकते हैं इसका फैब्रिक कैसा है वो तो मुझे पता नहीं है, फैब्रिक का मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी साड़ी है। एंड अब मैं ले रही हूँ प्राइमर के लिए NYV का प्राइमर। इसे मैं वहीं पे लगाऊंगी जहाँ मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। हमारे टीन जोन एरिया पे कुछ ज़्यादा ही ओपन पोर्स रहते हैं, तो हमें इस तरह से हमें लगा लेना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाना है। एंड इस तरह से हमें बहुत ही सॉफ्ट हैंड से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं ले रही हूँ मिस रोज का ये कंसीलर, जहाँ पे मेरे पिगमेंट ऐसा ना वहीं पर इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। बहुत थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हमें लगाना है। ये एजा कंसीलर है जो हमारी स्किन को हाइड करने में हेल्प करेगा अच्छे से। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी, इस तरह से हमें ब्लेंड कर लेना है। सो मैं ले रही हूँ ये गुड वाइब्स की हाइड्रा ग्लो बीबी क्रीम। इस क्रीम में मैंने सेटिंग स्प्रे ऐड किया है, जिससे हमारा बेस लॉन्ग लास्ट भी रहेगा और ये अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगी ये क्रीम। सो इस तरह से मैंने डॉट डॉट करते हुए अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक पे इसको लगा लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। देख सकते हैं काफ़ी ईजिली तरीके से ब्लेंड हो चुका है, बहुत ही ईजी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा मुझे लग रहा है। ये मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा वाइट हो रहा है, सो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एक बार ब्रश की हेल्प से भी इसको मैं ब्लेंड करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा था, तो मैंने इस तरह से इसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देख सकते हैं अब मुझे अच्छी कवरेज मिल चुकी है, जितना मुझे चाहिए था। ज़्यादा वाइट फेस नहीं करना था तो मैंने इसको अच्छे से स्मज करके इस तरह से मैंने लगा लिया है, मतलब कर लिया है। अब मैं कंसीलर लूँगी, सिस बीटी का मैंने कंसीलर लिया है, बहुत ही कम अमाउंट में लूँगी। जो पॉइंट हमें हाईलाइट करने होते हैं ना, वहीं पर हमें कंसीलर यूज करना होता है हाईलाइटिंग के लिए। देख सकते हैं आप, मैंने बहुत ही कम अमाउंट में लिया है। इस तरह से अब मैं ब्लेंड कर लूँगी इसको। स्विस बीटी के कंसीलर तो आते ही वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अफोर्डेबल भी मिल जाते हैं हमें, एंड इसकी कवरेज भी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब मैं कंसीलर को सेट करने के लिए मेबलिन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ ले रही हूँ, अपने अंडर आइज के नीचे लगाऊंगी एंड जहाँ मुझे कॉन्टूरिंग करनी है उसके नीचे लगाऊंगी। इस तरह से हमें लगा लेना है। ज़्यादा मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज नहीं कर रही हूँ, विंटर है तो मैं बहुत कम अमाउंट में कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ। ये NYV का कॉन्टूर है, कंसीलर कॉन्टूरिंग है, तो इस तरह से मैं ये कॉन्टूर कर लूँगी। जहाँ पे कॉन्टूरिंग करते हैं वहीं पे मैं कर लूँगी अच्छे से। अपने नोज के ऊपर भी इस तरह से हमें कॉन्टूर कर लेना है। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं इस तरह से। ये कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, NYV के कंसीलर बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं आते, ज़्यादा स्टिक भी नहीं होते, तो बहुत ही ईजिली से ये ब्लेंड भी हो जाते हैं। आप चाहे ब्रश से भी ब्लेंड करोगे ना तो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। सो मैंने अपनी कॉन्टूरिंग अच्छे से कंप्लीट कर ली है, इसे मैं फिंगर टिप्स से भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ ब्लशर के लिए, ये स्विस बीटी का ब्लशर पैलेट है, इसमें से मैं ये फर्स्ट नंबर का शेड लेके इस तरह से ब्लशर लगा लूँगी। आपको ऊपर की तरफ ले जाते हुए इस तरह से ब्लशर लगाना है। अब
अपने नोज एरिया पर भी एंड चिन एरिया पर भी ब्लशर लगाना है ताकि एक नेचुरल लुक दिखाई दे। एंड सेम पैलेट से मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। हाइलाइटिंग काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। हाईलाइट करने के बाद ना हमारा फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई डुई सा लगता है, इससे हमारा मेकअप अलग ही दिखता है। तो हाइलाइटर तो यूज करना ही है। मैं थोड़ा ज़्यादा हाइलाइटर यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाइलाइटर करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे ब्लशर लगाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह से मैं लगा लूँगी। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए वेट एंड वाइट की आईब्रो पैलेट यूज कर रही हूँ। इसी के अंदर हमें ये ब्रश मिल जाती है, इसकी हेल्प से ही मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। मेरी जो नेचुरल आईब्रो है ना उसी को मैं फॉलो करूँगी एंड इसी के पीछे हमें स्पूली मिल जाती है जिससे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक नेचुरल लुक दिखाई दे। सो गाइस जब बारी आती है आई मेकअप की, आई मेकअप के लिए मैं SFR की ये पैलेट ले रही हूँ। देख सकते हैं इसमें हमें बहुत सारे शेड मिल जाते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। सो इस आई शेडो पैलेट में से मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ और अपने आउटर कॉर्नर पर इस तरह से वी शेप बनाते हुए अच्छे से इसको फिल कर लूँगी। इस शेड को इस तरह से हमें वी शेप बना लेना है और फिर अंदर की तरफ फिल कर लेना है। आपको बहुत ही आसानी होगी आई शेडो लगाने के अंदर। इसे मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा आई मेकअप होएगा हमारा। एंड इसी में से मैं डार्क शेड लूँगी और जहाँ पर मैंने ये वाला शेड लगाया था उसी के ऊपर इसको लगा लूँगी और अच्छे से स्मज कर लूँगी। वही सेम मैंने फ्लफी ब्रश ली है, इस तरह से हमें लगा लेना है। एंड ये अब मैं कलर ब्रांड की ये पैलेट ले रही हूँ। यहाँ से मैंने ये सेमी सेट पिक किया है और इसे मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगा लूँगी अपने इनर कॉर्नर के ऊपर एंड आई लिड के ऊपर। अच्छे से जहाँ पर स्पेस रह गया ना वहीं पर अच्छे से इसको लगा लेना है, इस तरह से स्मज कर लेना है। एंड हाइलाइटिंग कर लूँगी अपने आई बोन को, इनर कॉर्नर को हाइलाइटिंग कर लूँगी। मैं सेम वही फ्लफी ब्रश लेके एक बार अच्छे से स्मज कर लूँगी ताकि दोनों साइड अच्छे से स्मज हो जाए, कोई क्रीज लाइन दिखाई ना दे। अब मैं सेम वही कलर लेके अपने लोअर लाइन के नीचे भी अप्लाई कर लूँगी। इस तरह ये मैरून शेड है तो इसे मैं अपने लोअर लाइन के नीचे भी अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी। इस तरह से स्मज कर लेना है, जितना भी फॉल आउट हुआ है ना उसको अच्छे से डस्ट आउट कर देना है ब्रश की हेल्प से। अब मैं मार्स की आईलाइनर ले रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आईलाइनर है, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक विंग क्रिएट करूँगी। सो, मेरा आईलाइनर कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब मैं ये मैबलिन का मस्कारा यूज कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, देख सकते हैं आप। इसके बाद 2 से 3 कोट लगा लो अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा हमारे जो आईलेस है ना जो अच्छे से कर्ल हो जाते हैं इस मस्कारा से। मैं अपने अपर लेस पर एंड इनर लेस के ऊपर अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी। सो गाइज देख सकते हैं मेरी दोनों आईज के अंदर डिफरेंट, देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से लग चुका है। नेक्स्ट सेम इसी तरह से इस आईज पे भी हमें लगा लेना है। सो डन है मेरा आई मेकअप लुक। अब मैं ब्राउन कलर की ये लिप लाइनर यूज कर रही हूँ, अपने लिप्स पे अच्छे से आउट लाइन बना लूँगी। पहले मैं पतला आउट लाइनर बनाऊँगी इस लाइनर से। इस तरह से हमें आउट लाइनर बना लेनी है। अब मैं इसी के अंदर इसको थोड़ा मोटा फील कर लूँगी अच्छे से, इसी को मैं स्मज करते हुए अच्छा सा मोटा आउट लाइनर बना लूँगी। इस तरह लाइनर लगाने के बाद ना हमारे लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है।
देखना अभी आप। अब मैं ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, जहाँ पर स्पेस रह गया ना वहीं पर इसको मैं लगाऊंगी। इस तरह से हमें लगा लेना है और दोनों को थोड़ा सा स्मज कर लेना है इस तरीके से। देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है लिपस्टिक का, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आपको, मैंने फर्स्ट बार साउथ इंडियन मेकअप लुक किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा मेकअप लुक होएगा। देख सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला लिपस्टिक है। अब मैं NYV के सेटिंग स्प्रे से अपना मेकअप बेस सेट कर लूँगी, हो सके तो अपने आई मेकअप को बचा के रखें। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करते हुए इसको सेट कर लूँगी अपने बेस को। अब मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का ये काजल, काफ़ी अच्छा काजल, लॉन्ग लास्टिंग का। आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देख सकते हैं अपने वाटर लाइन के ऊपर मैंने लगा लिया है। यहाँ पे मैंने लगा ली है बिंदी। बिंदी लगाने के बाद मैं कुछ इस तरह से कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरा मेकअप लुक। एंड अब मैं लगा रही हूँ ये वाइट आईलाइनर, इसे क्या बोलते हैं ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्या बोलते हैं बिंदी के नीचे जो वाइट लगाते हैं ना लाइन सी, तो वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, बिंदी बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं। सो मैंने इस तरह से लगा लिया है, देख सकते हैं आप। आप चाहे तो इस तरह से खुले बाल रख सकते हैं। एंड अभी मैं गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहन रही हूँ। साउथ इंडियन मेकअप में ज़्यादातर गोल्ड कलर की ही ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो मैंने ये वाली ज्वेलरी ही सिलेक्ट की है, काफ़ी अच्छी लग रही थी इस आउटफिट के ऊपर। अब देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप चाहे तो इस तरह से खुले बाल भी रख सकते हैं या फिर आप जूड़ा बना के कुछ गजरा भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक लगेगा। एंड गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।